अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे कि इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये फंक्शन इवन है, फंक्शन ऑड है। तो इसके लिए हम बुक यूज करेंगे जी थॉमस कैलकुलस की 12 एंड 13 एडिशन, चैप्टर 1 है फंक्शंस, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन होते क्या हैं। अगर कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, एनी फंक्शन वाई के इक्वल, तो अगर हम एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करते हैं, इसका आंसर वही एफ ऑफ एक्स मतलब वाई सेम आ जाए, मतलब नेगेटिव रखने से उस बेसिक फंक्शन पे कोई असर ना पड़े, इसको कहते हैं इवन। और अगर एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखें तब भी वही फंक्शन आए लेकिन नेगेटिव के साथ, तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन, माइनस वन ऑड फंक्शन। ये है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 47, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3, तो इसके बारे में बताना है कि ये इवन है या फिर ऑड। ये अगर हम बनाएं, ये देखिए, तो एफ ऑफ 3 मतलब y की वैल्यू 3 आ रही है, ये हमेशा से 3 आएगी, स्ट्रेट लाइन है। आप x की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो 3 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ कहीं पे, यहाँ 1 होगा, अगर यहाँ 2 और यहाँ 3 होगा, तो मतलब ये y की वैल्यू ऐसे होगी। किसी भी दो पॉइंट पे अगर देखना चाहें x सिमेट्री, ये बिल्कुल देखें x सिमेट्री, जिस तरह से इस तरफ का ग्राफ है उसी तरह से इस साइड का भी ग्राफ है, तो आप किसी दो पॉइंट पे देखना चाहते हैं तो इनमें लाइन जब खींचेंगे तो ये क्या होगी, y एक्सिस से पास होगी। तो y एक्सिस का मतलब क्या है, ये फंक्शन इवन है। ऑड कहते हैं जब यहां से पास होती, तो ये यहां से नहीं पास हो, ओरिजिन से पास नहीं हो रही बल्कि y एक्सिस से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन इवन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर -5, तो अगर माइनस रखें एक्स की पावर माइनस एक्स होल की पावर -5, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर नेगेटिव है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स एक्स की पावर 5, तो अगर नेगेटिव हो ऊपर 5 हो पावर, तो इसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो मतलब ये हुआ नेगेटिव एक्स की पावर नेगेटिव 5 आएगा, ऐसा ही आएगा ना। अगर इवन होती पावर तो हम माइनस को प्लस में चेंज कर देते, लेकिन इवन नहीं है, ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब नेगेटिव साथ में आएगा, तो ये चीज किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल, मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये ऑड की डेफिनेशन है, ये फंक्शन ऑड है। 49 है जी, 49 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ एक्स एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स होल की पावर स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास फंक्शन वही आ गया जो हमारा बेसिक फंक्शन था, तो मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो 50 में कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें बताना है कि ये इवन है या ऑड है। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखें, ये हो जाएगा माइनस एक्स होल का स्क्वायर प्लस इनटू माइनस एक्स, आप इसको रखें ये एक्स का स्क्वायर बनेगा और ये माइनस एक्स बनेगा, तो क्या ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है या फिर माइनस एफ ऑफ एक्स बन रहा है, ये देखिए, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन भी लेते हैं ना तो अभी क्या बनेगा, x माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस बाहर आप कॉमन ले लेते तब भी ये नहीं बनता, ना ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है या ना ये माइनस एफ ऑफ एक्स बन रहा है, तो मतलब ये हुआ ये ना फंक्शन इवन है ना ही ऑड है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52 ये बिल्कुल सेम है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो 1 ओवर माइनस एक्स होल का स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही एफ ऑफ एक्स हमारा बन गया, तो मतलब ये हुआ, तो हमने माइनस रिप्लेस की लेकिन हमारा आंसर वही बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर है जी 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या करना है,
x को माइनस x से रिप्लेस करें तो माइनस x ओवर माइनस x होल का स्क्वायर माइनस 1, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस x ओवर x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर माइनस ये सारा फैक्टर क्या बन रहा है, ये सारा फैक्टर, तो ये f ऑफ x बन रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस f ऑफ x, तो ये माइनस में दे रहा है f ऑफ x, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ऑड फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 है जी, h ऑफ t विच इज इक्वल टू t का क्यूब होल का एब्सोल्यूट। तो अगर t को माइनस t से रिप्लेस करें तो क्या होगा, h ऑफ माइनस t विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट माइनस t होल का क्यूब, ये आ जाएगा जी एब्सोल्यूट माइनस t का क्यूब। तो हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, तो मतलब ये t का क्यूब एब्सोल्यूट आ जाएगा, तो ये वापस हमारे पास एच एफ टी बन गया है, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 58 ये बिल्कुल सेम है, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।